हमलावर को गिरफ्तार करो, हमलावर को गिरफ्तार करो, इंकलाब जिंदाबाद, 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 हमारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इतना हम कर सकते हैं नियमानुसार, तो उनको थोड़ा सा अच्छा नहीं लगा। उन्होंने फ़ोन पे तब भी धमकी सी दी कि सारे अधिकारी चोर होते हैं, सबके संगमरमर लगे होते हैं घरों में, उखड़वा दूंगा मैं, इस तरह की बातें उन्होंने कल भी करी हमसे फ़ोन पे। ठीक, उसके बाद आज करीब मैं पीछे काम कर रहा था साइड पे, कोर्ट केस के केस में वो देख रहा था पेपर वगैरह, तभी वही सज्जन जिनके घर में कल चोरी मिली थी वो आज आए। उन्होंने कहा साहब मैं बिजली जुड़वा दें, मैं जमा करना चाहता हूँ। हमने तुरंत निकलवाया, उनका लगभग 2.5 लाख के आसपास बना था उनका। हमने कहा आप 40% जमा कर दें, हम जुड़ने के आदेश कर देते हैं बिजली आपकी। ठीक, तो वो बाहर को चले गए तुरंत ही। और उसके 2-3 मिनट बाद जो मुझे बाद में बताया गया कि मेरे फ़ोन पे 2-3 फ़ोन किए हैं, मेरे पास नंबर सेव नहीं था, ठीक किए गए हैं और फ़ोन नहीं उठा रहे एक्शन साहब, मतलब तुरंत ही 2 या 3 मिनट बाद ही उन सज्जन के बाहर जाते ही लगभग 15-20 लोग चिल्लाते हुए कौन है मनोज, कौन है मनोज, ऐसा चिल्लाते हुए बाहर की तरफ अंदर की तरफ आए कमरे में। ठीक, मैं परिचित नहीं था उनमें से उस टाइम किसी से भी, बाद में परिचय हुआ कि MLC साहब हैं हमारे। ठीक, तो मैं खड़ा हुआ तुरंत ही, नमस्ते करी। ठीक, मैंने कहा बैठे तब तक, लेकिन उन्होंने मुझे जकड़ लिया 4-5 लोगों ने उनमें से, और घसीटते हुए बाहर बिठाओ गाड़ी में। मतलब हम समझ भी नहीं आए कि प्रकरण क्या है। वो कल से ही जुड़ा प्रकरण था, वो चोरी चोर कंज्यूमर को छुड़ाना चाहते थे एक, जिसके लिए हमने मना कर दिया था कि साहब छोड़ा नहीं जा सकता। और उसके लगभग आधे घंटे बाद ही कल की चेकिंग में डायरेक्टर साहब भी, हमारे SC साहब भी सब साइड पे पहुंचे भी, उनको दिखाया भी क्या साहब ये चोरियां पकड़ी हैं आज यहाँ पे, उस केस को भी दिखाया गया था और उनको बताया भी गया डायरेक्टर साहब को कि साहब MLC साहब का फ़ोन आया था और वो इस तरह से कह रहे थे, ये कल उनकी जानकारी में ले आए थे हम चीज़, हमारे दरोगा जी भी ले आए थे, हम भी ले आए थे जानकारी में। तो घसीट कर इधर गैलरी में ले आए, तो हमारे एकदम कर्मचारी सजग हो गए, 10-15 कर्मचारी तो हमेशा दफ्तर में रहते ही हैं, उन्होंने मेल जो थे वो सामने आए, उन्होंने रोकने की कोशिश की हमें बचाने की, तो वो बलपूर्वक उनको हटा दिया गया, मतलब वो कंट्रोल नहीं कर पाए, काफ़ी लोग थे। ठीक, लेकिन हमारे उसके बाद हमारे दफ्तर की महिला कर्मचारी तब तक मुझे बहुत बाहर तक ले आए, गैलरी के बाहर तक एकदम बिल्कुल लगभग 10 मीटर से ज़्यादा घसीटते हुए। ठीक, फिर यहाँ पर महिला कर्मचारी एकदम गेट के सामने अड़के खड़ी हो गई कि हमारे 3 महिला कर्मचारी थी कि कैसे ले जाओगे हमारे साहब को, आप कैसे बदतमीजी कर रहे हो, आप मारपीट कैसे कर रहे हो हमारे अधिकारी के साथ आप। ठीक, उनके साथ भी जबरदस्ती करने की कोशिश की, लेकिन बहुत ज़्यादा जबरदस्ती महिलाओं के साथ वो नहीं कर पाए। ठीक, तो वहाँ पे वो ढीले पड़े, फिर वापस हमें पीछे ही ले गए, फिर खैर बैठे बातें शुरू हुई, मतलब हमने कहा बताएं साहब क्या मुद्दा है, तो वो कल वाला मुद्दा गोल कर गए एकदम से, एकदम भाषा बदल गई उनकी टोन, मतलब माननीय विधायक जी की हमारे MLC साहब की। ठीक, मैंने कहा सब कल आपने उसके लिए बोली, तब वो वहाँ पे एकदम गोल कर गए, नहीं मैंने तो कोई पैरवी नहीं करी थी, लेकिन वो सामने सज्जन खड़े भी थे जिनकी वो पैरवी कर रहे थे, वो भी कमरे में थे उस टाइम पे। ठीक, बाद में जब चीज़ें खुल गई तो वो उन सज्जन से बात भी करने लगे, बताओ कैसे जुड़वाई जाए, छोड़ो अभी क्या बात करें तुम्हारी, इस तरह की बातें वो करने लगे। आपके साथ मारपीट भी हुई? जब मुझे घसीटा गया तो मुझे पीछे से मारा भी किया सर, इसमें कोई कहने में मुझे गुरेज नहीं है, मेरे हाथों में भी नोचा गया बुरी तरह, मारा भी किया और पीछे भी मारा गया मुझे। यहाँ पे खुद मौजूद थे जी, वो ही थे सबसे पहले, तो आगे तो वही आए थे खुद ही, उसके साथ 10-15 लोग थे। अभी आपने पुलिस को तहरीर शिकायत जी देने जा रहे हैं साहब, बस अभी तुरंत देने जा रहे हैं। आज हमारे बिजली विभाग के खंड टैगोर टाउन में हमारे अधिशासी अभियंता मनोज अग्रवाल साहब के साथ यहाँ सरकार के MLC सुरेंद्र चौधरी जी आके किसी बिजली चोरी में FIR हुआ था उसको कम कराने की बात कर रहे थे, जो कि नियम से हो नहीं पाता। एक्शन साहब ने उनको फ़ोन पे भी समझाया था कि ये काम हो नहीं पाएगा, और इसमें मास रेट का अभियान पूरे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय ऊर्जा मंत्री जी का भी ये लक्ष्य है 100 दिन के अंदर कि ATNC हानियाँ 10% के नीचे लाना है। उसी के तहत हर क्षेत्र में डोर टू डोर काम्बिंग अभियान चल रहा है। इसमें उसके तहत माननीय MLC जी के किसी जानने वाले के यहाँ बिजली चोरी चल रही थी और उसको उन्होंने कहा था कि माफ़ कर दीजिए, हालांकि उस लाइन में 24 चोरियाँ पकड़ी गई थी, एक आदमी को माफ़ किया जाता तो एक गलत मैसेज जाता। और माननीय चौधरी जी सम्मानित प्रतिनिधि हैं, उनको इस तरह के आके सरकारी ऑफिस में बवाल करना उचित नहीं है। उन्होंने आके हमारे अधिशासी अभियंता के साथ बदतमीजी किए, उनको घसीटे, आपको मीडिया में उन्होंने दिया भी है, वो सारी जानकारी भी आपको है। और इसका पूरा इलाहाबाद के अभियंता, मुख्य अभियंता
अधिष्ठित अभियंता और हमारे अवर अभियंता साथी भी, और जो कर्मचारी यूनियन है और उनके जो स्टाफ है संविदा कर्मचारी और हमारे सरकारी लाइनमैन, ये सब लोग आक्रोशित हैं और सब लोग कहीं ना कहीं भयभीत हैं कि सरकार हमको प्रोटेक्शन नहीं दे सकती और सरकार के लोग ही हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं। तो एक ये गलत मैसेज सरकार के खिलाफ जा रहा है जो कि ये ठीक नहीं है। हम यहाँ क्षेत्रीय सचिव प्रयागराज हैं अभियंता सिंह।